हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। तो मैंने कहा यूनिवर्सिटी में क्यों ना यूनिवर्सिटी के बच्चों से रिव्यूज़ ले जाएं यूनिवर्सिटी के बारे में कि यूनिवर्सिटी कैसी है, कि बच्चों को नए बच्चों को यहाँ पे आना चाहिए नहीं आना चाहिए। चलें चलते हैं यूनिवर्सिटी और मैं अपना ओपिनियन जो दूँगा बिल्कुल सबसे एंड में दूँगा। सबसे पहले दूसरे बच्चों से हम ओपिनियन लेंगे उनके कि यूनिवर्सिटी कैसी है क्या है। अभी चलते हैं बैरी यूनिवर्सिटी और आपसे वहीं पर जाके मिलते हैं। यूनिवर्सिटी में पहुंचा हूं तो आगे मुझे मलक और पीछे शराज ये सारे मिले। तो अभी अंदर जाते हैं तो कुछ लोगों से पूछते हैं। मलक तो कह रहे हैं मेरे से नहीं बोला जाना, तो बोल लेंगे यार आप। तो चलो जी बताओ, बैरी यूनिवर्सिटी आना चाहिए बच्चों को या नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, पढ़ाई के मकसद से आना चाहिए और किसी और मकसद से नहीं आना चाहिए। हाँ, यहाँ पार्टी सीन बिल्कुल नहीं है। पार्टी सीन अगर खत्म हो गया कोरोना के बाद, पहले था बट अब जो है वो खत्म है, सीन ऑफ है। तो अगर पढ़ाई की नीयत से आना है तो बिल्कुल है। हाँ, पढ़ाई की नीयत से आना है तो आए। शिराज कुछ कहना चाहोगे आप? यार मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि देखो प्रोज भी हैं और कॉन्स भी हैं। यूनिवर्सिटी अच्छी है नो डाउट, लेकिन ग्राउंड्स वगैरह नहीं है, स्पोर्ट्स के मतलब इवेंट्स वगैरह ज़्यादा नहीं होते, पार्किंग भी नहीं है। हाँ, पार्किंग भी नहीं है, बहुत दूर में गाड़ी पार्क करनी पड़ती है, वहाँ से हम अभी तो पैदल चलते जा रहे हो यहाँ से अंदर जाना। मतलब आप ये तो इसमें आपका नाम है? बिल्कुल, फ्रंट पे चेक करना। अभी हम बिजनेस स्कूल के बाहर हैं तो यहाँ पे हमें मिले हैं अली। तो अभी अली से पूछते हैं कि आप ये बताओ बैरी यूनिवर्सिटी बच्चों को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, क्या रिव्यूज़ हैं आपके बैरी यूनिवर्सिटी के बारे में? यार बैरी यूनिवर्सिटी में आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए, इनकी पढ़ाई अच्छी है। बाकी है कि थोड़ा इनकी पार्किंग का इशू है, बाकी ऐसा मुझे कोई इशू नहीं। ठीक है जी, ठीक है। पार्टी सीन है? पार्टी सीन, अब आप इधर पढ़ने के लिए आए हो तो फिर पढ़ो ना, क्या पार्टियों की चक्कर में। पार्टी करनी है तो बाहर जाओ यूनिवर्सिटी से बाहर। नहीं, पार्टी सीन बिल्कुल पढ़ाई के लिए आते हो तो तुम्हारे लिए यूनिवर्सिटी ठीक है, बाकी पार्टियाँ शार्टियाँ करनी है तो बाहर जाओ भाई। चलो ठीक है, आप जो क्लास लेने हम बाकी और बच्चों से रिव्यूज़ लेते हैं तो आप बताते हैं। अभी हमारे साथ भाई हैं बैरी यूनिवर्सिटी सेवन सेमेस्टर मीडिया स्टडीज़ के, तो अभी हम इनसे पूछते हैं कि बैरी यूनिवर्सिटी आपको क्या नॉलेज वगैरह दे रही है नहीं दे रही, तो आप बताएं कि स्टूडेंट्स को यहाँ पे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बैरी यूनिवर्सिटी में आना चाहिए क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लोर है और आप बहुत सी चीज़ें सीख सकते हैं, पर वो खुद से करनी पड़ती है प्रैक्टिकल काम, क्योंकि ये ज़्यादा जो है ना थ्योरी पे फोकस करवाते हैं। तो मैंने जो कुछ भी सीखा है वो सारे प्रोजेक्ट्स में एडिटिंग वगैरह ये सारा कुछ मैंने खुद ही किया है। वो आप क्या कहते हैं कि दूसरे बच्चों को यहाँ पे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आना चाहिए बिल्कुल, बैरी यूनिवर्सिटी द बेस्ट यूनिवर्सिटी। बेस्ट यूनिवर्सिटी जी। चलिए, भाई का ओपिनियन आपने जान लिया, तो अभी इस तरह और भी स्टूडेंट ढूंढते हैं, उनसे भी हम ओपिनियन लेते हैं बैरिया के बारे में, वो क्या कहते हैं। हमारे जूनियर्स भाई हैं तो भी इनसे पूछते हैं कि बैरी यूनिवर्सिटी के बारे में क्या रिव्यूज़ देना चाहिए, बच्चों को यहाँ पे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आ जाओ लेकिन अपने रिस्क पे, अपने रिस्क पे। क्यों रिस्क है भाई, आओगे तो चल जाएगा भाई। क्यों मजा, बस अच्छा लगता है ना, जब कॉलेज में होते हो कहते हैं यूनिवर्सिटी आओ मज़ा आएगा, लेकिन जब यूनिवर्सिटी में आते हो ना कहते हैं बस कॉलेज लाइफ ठीक थी। हाँ बस बस बस, और कुछ नहीं कहना वजी भाई। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है यार, यहाँ पर बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और हम बड़ा इन्जॉय कर रहे हैं यहाँ पर। समझा जैसे बच्चे ना हों यूनिवर्सिटी में। बाकी हमें ये इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट मिले हैं तो इनसे हम बैरिया के रिव्यूज़ लेते हैं, तो ये बैरिया के बारे में क्या कहते हैं? यार ऐसे तो वैसे पढ़ाई वगैरह के लिहाज से बहुत अच्छी है यूनिवर्सिटी, लेकिन पार्टी का कोई सीन नहीं है भाई। हम यही सुन के आए थे कि भाई पार्टी शार्टी होती है, लेकिन कोई पार्टी शार्टी का सीन नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ क्या पार्टी होती है, वो एक स्टॉल लगा देगा बर्गर वाला और सारे आके बर्गर खाओ यहाँ पे, बस बर्गर बच्चे घूम रहे हैं। और किताबें यहाँ पे भाई, किताबें पढ़ पढ़ के पागल हो गए, हमें नहीं किताबें चाहिए, इनकी पार्टीज यही हैं, किताबों के स्टॉल लगा देंगे, उधर आके किताबें निकालो। और बाकी और यार ये कि बस पढ़ाई शढ़ाई अच्छी है, फैकल्टी के लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन और लड़कियों के बारे में ये बहुत एक्सपर्ट हैं, ये बताएंगे आगे नहीं, नहीं, क्या मैं पढ़ाई के बारे में, अगर आप सीरियसली पढ़ना चाहते हैं और पढ़ाई कंसिडर कर रहे हैं तो यहाँ पर बहुत अच्छे डिपार्टमेंट भी हैं। अगर आप सीरियस पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर बहुत अच्छे टीचर, पढ़ाई तो अच्छी है ऑब्वियसली, बैरी यूनिवर्सिटी का नाम है इनका। असल में कहने का ये मतलब है, अगर कोई ये समझ के आ रहा है कि पार्टी सीन है तो पार्टी सीन बिल्कुल खत्म है, बिल्कुल है ही नहीं भाई पार्टी यहाँ। ये एक बर्गर का स्टॉल लगेगा, बर्गर खाओ, ये पार्टी बॉय, ये सीन है पार्टी। और एक किताबों का स्टॉल लगा है भाई, नहीं पढ़नी किताबें यार, किताबें पढ़ पढ़ के हालत खराब हुई है, ये पार्टी में भी किताबें पढ़ा रहे हैं। पार्टी वगैरह कॉन्सर्ट वगैरह तो बिल्कुल जल्द, हमें 3 साल हो गए कोई कॉन्सर्ट वगैरह तो नहीं हुआ। एक कॉन्सर्ट हुआ था जिसमें इब्राहिम हक के यहाँ स्पीकर लगा के इब्राहिम हक का गाना रिकॉर्डेड चला रहे थे, नच पंजाब नच और सारे कुत्तों की तरह डांस कर रहे थे, और कोई सीन नहीं है भाई, कोई
लेकिन वो सुना है कि कार्निवल लास्ट दिसंबर के लास्ट में हो रहे, लेकिन अभी तक उसके कोई चांस नहीं है। चांस तो नहीं। चले आपने इनके रिव्यूज सुने तो अभी औरों से भी पूछते हैं इसी तरह। जी ये भी आप हमें बताएं कि बहरिया के बारे में आपके क्या रिव्यूज हैं, कि इधर आना चाहिए, एडमिशन लेना चाहिए, बच्चों को या नहीं लेना चाहिए। और पढ़ाई के लिहाज से बिजनेस स्कूल वाले डिपार्टमेंट ठीक है, बाकी नॉट दैट ग्रेट। तो यार ये बहरिया में हल्ट प्राइस रीडिजाइनिंग फैशन वगैरह, और ये हमारी एक जूनियर, उन्होंने पेंटिंग शेंटिंग बनाई है, तो ये उन्होंने सेल होने के लिए लगाई हैं। उसी के साथ ये वॉचेस वगैरह, बुक्स वगैरह, और ये साथ में फूड फेस्टिवल कुछ चल रहा है साथ साथ यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं। तो इसके साथ साथ अभी हम कुछ स्टूडेंट से रिव्यूज़ वगैरह भी ले रहे थे, तो अभी हम जाते हैं रिव्यूज़ लेने। तो मैं और इस टाइम पर हसनात हैं, तो इनसे भी हम बहरिया के बारे में रिव्यू लेते हैं, ये क्या कहना चाहते हैं बहरिया के बारे में। दोनों में से जो भी दे यार। यार मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप बहरिया में, बहरिया एक तरह की सबसे बुरी यूनिवर्सिटी है। हमने इसका ये सुना था कि मतलब बहुत से इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं और जिस वजह से मशहूर थी, बट वो कोरोना के बाद कोई इवेंट शिवेंट नहीं हो रहे। हसनात आप कभी ये मशहूर थी जब भी बल्कि यहाँ के सीनियर्स थे, अब सीनियर्स चले जा चुके हैं, अब यहाँ की आती पिंडी हवा। जब पिंडी हवा में आइए तब तक पिंडी बॉय बन चुका है यूनिवर्सिटी, यहाँ पर कुछ पेंडू हवा में यार खत्म है, तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करेंगे आप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि सब इस वजह से ये कह रहे हैं कि यहाँ पे अब इवेंट्स ऑर्गेनाइज नहीं किए जाते। दूसरे कैंपस में किया है इस दफ़ा, लेकिन यहाँ पे अभी तक कुछ डिपार्टमेंट की सीनियर हैं हमारी, तो अभी इनसे हम रिव्यूज़ लेते हैं कि बहरिया के बारे में क्या कहती हैं। बहरिया अच्छी है अगर आपने पढ़ाई के लिए आना है, लेकिन अगर आपने फन एक्टिविटीज़ के लिए आना है तो बहरिया में हमारा एक कार्निवाल होता था, वो भी नहीं होता। लेकिन ओवरऑल जो हमारा बिजनेस स्कूल है वो बहुत अच्छा है, टीचर्स कोऑपरेटिव है, सब बहुत अच्छा। अभी हमारे साथ आठवें सेमेस्टर की एक सीनियर हैं, तो अभी हम इनसे रिव्यू लेते हैं कि बहरिया यूनिवर्सिटी के बारे में हमें ये बताएंगे कि क्या कहना चाहती हैं। बहरिया यूनिवर्सिटी एजुकेशन के हिसाब से बहुत अच्छी है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अपने करियर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे ज़रूर एडमिशन लें, और अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे कोई पार्टी सीन है या बहुत चिल माहौल है तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है और बाकी और अच्छा है। और सब मेरी तरह यहाँ पे सिंगल घूम रहे हैं। हाँ, और जो लड़की को ताड़ते भी हैं जिस तरह से, इस टाइम में हमारे दूसरी क्लास के सी आ रहे हैं, अभी हम इनसे रिव्यू लेते हैं यूनिवर्सिटी के बारे में, हमें बताएंगे। भाई यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है माशाल्लाह, और एक प्रॉपर एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अलावा क्या कहते हैं पढ़ाई का भी पूरा माहौल है, लेकिन आपने ये सोच के इधर नहीं आना कि जो है ना यहाँ पे सिर्फ हम याशी करेंगे, इन्जॉयमेंट करेंगे, इन्जॉयमेंट भी है लेकिन पढ़ाई के साथ साथ उसको भी आपने एक टाइम देने, और क्या कहते हैं सिर्फ इन्जॉयमेंट को ही आपने प्रायोरिटी नहीं रखनी, क्योंकि अगर इन्जॉयमेंट में लगे रहेंगे फिर आपको क्या कहते हैं समर लगाना पड़ेगा, ठीक है आपके सब्जेक्ट फेल होंगे, तो आपने पढ़ाई को भी टाइम देना, क्लासेज ज़्यादा बंक नहीं करनी, बाकी अच्छा माहौल है इन्जॉयमेंट का, आप इन्जॉय भी कर सकते हैं यूनिवर्सिटी में रह के, साथ साथ इन्जॉय भी करें साथ साथ पढ़ें, और बाकी जो क्लब्स वगैरह उसमें आप पार्टिसिपेट करें, आपके क्या कहते हैं ग्रूमिंग होगी आगे आपको फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जी मैं अभी अभी घर पहुँचाऊँ, तो जैसा कि आपने बच्चों के रिव्यूज़ यूनिवर्सिटी के बारे में सुन लिए होंगे, तो मैंने कहा था मैं अपना ओपिनियन बिल्कुल एंड पे दूंगा। तो यार मेरा ओपिनियन ना बहरिया यूनिवर्सिटी के हवाले से ये है कि बहरिया यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिहाज से बहुत अच्छी है। मैं अपने डिपार्टमेंट को जानता हूँ, बाकी डिपार्टमेंट्स का मैं नहीं जानता, हमारा बिज़नेस स्कूल जो है उसकी पढ़ाई वगैरह बहुत बहुत अच्छी है। तो उसके अलावा मैं यही कहूँगा कि जो पार्टी सीन समझ के आते हैं ना कि हाँ आगे पार्टी सीन होगा, ये होगा, वो होगा, तो वो चीज़ें बहरिया यूनिवर्सिटी में बहुत कम हो गई हैं, अब वो वाले सीन नहीं रहे। एक कार्निवल होता था पूरे साल में एक दफ़ा, तो इस दफ़ा वो भी नहीं हो रहा, तो देखें आगे अगर होता है तो फिर आपको उसका व्लॉग देखने को मिल जाएगा। अभी तक कह रहे हैं शायद दिसंबर के लास्ट में, जनवरी के स्टार्ट में हो, तो अभी तक तो उसके कोई चांस नहीं है। यूनिवर्सिटी के हवाले से जो मेरा ओपिनियन था वो यही था। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और आगे शेयर करें, और हम इस व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।